हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संटिंग मास्टर के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई क्लासेस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देयर आर डैश चैप्टर्स इन जीआरएस। जीआरएस में कितने चैप्टर्स हैं? हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 18। जीआरएस में जो है 18 चैप्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, देयर आर डैश जोन्स इन इंडियन रेलवेज। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 18। इंडियन रेलवेज में 18 जोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर आर हाउ मेनी डिविजन्स इन साउथर्न रेलवे। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 6। साउथर्न रेलवे में 6 डिवीजन हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सब्सिडियरी रूल्स इशूड बाई। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। सब्सिडियरी जो रूल्स होते हैं वो PCOM द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हेड ऑफ द जोनल रेलवे इज। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। जोनल रेलवे का हेड GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, GRS इशूड बाई। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी रेलवे बोर्ड। GRS जो है रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हेड ऑफ द डिवीजन इज। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। डिवीजन के जो हेड होते हैं वो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथर्न रेलवे सिचुएटेड एट। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी चेन्नई। साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर नाइन, SWR इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए स्टेशन वर्किंग रूल्स। SWR का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टेशन वर्किंग रूल्स होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, GWR इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए गेट वर्किंग रूल्स। GWR का मतलब होता है गेट वर्किंग रूल्स। क्वेश्चन नंबर 11, इफ पीरियड ऑफ एब्सेंस इज, हाउ मेनी कंजिक्यूटिव डेज और मोर ए फ्रेश डिक्लेरेशन शैल बी ऑब्टेंड। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 15। कहता है कि जब कोई स्टाफ 15 कंजिक्यूटिव डेज या उससे अधिक दिनों तक एबसेंट रहते हैं तो उनसे एक फ्रेश डिक्लेरेशन लिया जाता है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 12, वेन हाउ मेनी करेक्शन इज नेसेसरी ए फ्रेश SWR शैल बी इशूड। हियर थ्री ऑप्शन हैज बिन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 6। कहता है कि जब छठे करेक्शन का जरूरत पड़ता है SWR में, स्टेशन वर्किंग रूल्स में, तो एक फ्रेश SWR जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग VTO, आंसर विल बी ऑप्शन ए SWR। कहता है VTO के बारे में जो जानकारियां होती हैं वो SWR में, स्टेशन वर्किंग रूल्स में दिया गया रहता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ VTO, प्लीज गिव द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडियंट्स एट स्टेशंस आर गिवेन इन, आंसर विल बी ऑप्शन ए SWR। स्टेशन का जो ग्रेडियंट्स होता है उसके बारे में जो जिक्र होता है वो SWR में, स्टेशन वर्किंग रूल्स में किया गया रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द स्टेशंस क्लासिफिकेशन, आंसर विल बी ऑप्शन सी ABCD एंड स्पेशल क्लास। स्टेशन को जो है ABCD और स्पेशल क्लास में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिग्नल्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। सिग्नल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन एस्पेक्ट मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ऑन एस्पेक्ट का मतलब होता है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंट सिग्नल एट ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन बी कॉशन। कहता है डिस्टेंट सिग्नल ऑन एस्पेक्ट में उसका मतलब होता है कॉशन। क्वेश्चन नंबर 19, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन सी सी मार्कर। कॉलिंग ऑन सिग्नल को जो है सी मार्कर द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन ए मार्कर प्लेट। ऑटोमेटिक जो स्टॉप सिग्नल होते हैं उसको ए मार्कर प्लेट द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन बी ए मार्कर लाइट। सेमी ऑटोमेटिक जो स्टॉप जो सिग्नल होते हैं उसको ए मार्कर लाइट द्वारा पहचाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमारे संटिंग मास्टर के लिए नहीं, ये हमारे गुड्स गार्ड के लिए भी, ये हमारे स्टेशन मास्टर के लिए भी, ये हमारे सेक्शन कंट्रोलर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गेट स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन ए जी मार्कर। गेट स्टॉप जो सिग्नल होता है उसको जी मार्कर द्वारा पहचाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन बी पी मार्कर। कलर लाइट जो डिस्टेंस सिग्नल होते हैं उसको पी मार्कर द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सेमी ऑटोमेटिक गियर टेस्ट ऑफ सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन सी जी मार्कर प्लेट एंड ए मार्कर लाइट। सेमी ऑटोमेटिक जो गियर टेस्ट ऑफ सिग्नल होते हैं उसको जी मार्कर प्लेट और ए मार्कर लाइट द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ साउथर्न रेलवे इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए PCOM। साउथर्न रेलवे के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं वो PCOM होते हैं, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सन्टिंग परमिट इंडिकेटर्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2। कहता है सन्टिंग जो परमिट इंडिकेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टाइप्स ऑफ सन्टिंग, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। सन्टिंग जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द स्पीड ऑफ हैंड सन्टिंग शैल नॉट एक्सीड हाउ मेनी KMPH, आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 KMPH। कहता है हैंड सन्टिंग जो होता है उसका जो गति होगा, स्पीड होगा, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगा, उससे अधिक का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीड ऑफ इंजन सन्टिंग शैल नॉट एक्सीड हाउ मेनी KMPH, आंसर विल बी ऑप्शन बी 15 KMPH। कहता है वहीं इंजन अगर सन्टिंग होता होगा तो उसका जो स्पीड है वो 15 KMPH से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग हैंड सेंटिंग ऑफ वैगन्स नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट लेस देन हाउ सेल कंपनी, आंसर विल बी ऑप्शन सी 4। कहता है कि हैंड सेंटिंग के अगर वैगन का हैंड सेंटिंग किया जा रहा हो तो उस समय जो नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 4 से कम नहीं हो सकते हैं, मिनिमम 4 होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, वेन एवर वैगन्स आर स्टेबल्ड इन रनिंग लाइन दे सेल बी सिक्योर्ड बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ सेफ्टी चेन्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी 2। कहता है जब वैगन को जो है रनिंग लाइन पे जो है स्टेबल किया जाता है तो उस कंडीशन में जो है 2 सेफ्टी चेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वेन एवर वैगन्स आर स्टेबल्ड दे सेल बी सिक्योर्ड बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ किट्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। कहता है कि जब वैगन को जो है रनिंग लाइन पे स्टेबल किया जाता है तो उस कंडीशन में 4 जो स्कीड है वो लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वेन सन्टिंग इज परफॉर्म्ड इन ग्रेडियंट्स द इंचार्ज ऑफ सन्टिंग सेल इंश्योर, आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ, सफिशियंट नंबर ऑफ ब्रेक्स आर पुट ऑन सेकेंड वन स्कीड्स टू बी यूज्ड। कहता है कि जब ग्रेडियंट्स में सन्टिंग परफॉर्म किया जाता है तो उस समय उस कंडीशन में इंचार्ज जो होते हैं सन्टिंग के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह देख ले कि जो नंबर ऑफ जो सफिशियंट नंबर ऑफ इसमें ब्रेक्स लगे हैं या नहीं, दूसरा इसमें नंबर ऑफ जो स्कीड जितना लगना चाहिए वो लगा है कि नहीं, ये दोनों इंश्योर करना इंचार्ज का काम है। क्वेश्चन नंबर 34, सन्टिंग ऑर्डर फॉर्म नंबर इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए T/806। सन्टिंग ऑर्डर जो फॉर्म नंबर होता है वो T/806 होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वेन एवर वैगन्स आर स्टेबल दे सेल बी सिक्योर्ड बाय पिनिंग डाउन एट लीस्ट हाउ मेनी हैंड ब्रेक्स एट ईच एंड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 6। कहता है कि जब वैगन को स्टेबल किया जाता है तो उस कंडीशन में जो पिनिंग डाउन जो वो किया जाता है वो हैंड ब्रेक वो प्रत्येक एंड पे जो है 6 किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ISMD ऑलवेज टू बी अटैच्ड नेक्स्ट टू इंजन, आंसर विल बी ऑप्शन ए। कहता है ISMD जो है हमेशा इंजन के बगल में अटैच किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रिसेप्शन सिग्नल इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी होम सिग्नल। होम सिग्नल को रिसेप्शन सिग्नल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, डिपार्चर सिग्नल इज, आंसर विल बी स्टार्टर एंड LSS। स्टार्टर और LSS को, लास्ट स्टॉप सिग्नल को जो है डिपार्चर सिग्नल भी कहा जाता है, चूँकि इसका काम होता है गाड़ी को भेजना। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट सिग्नल इज यूज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन टू ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, आंसर विल बी ऑप्शन सी कॉलिंग ऑन। कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा जो है गाड़ी को जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे, बाधित लाइन पे रिसीव किया जाता है, लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन हॉट एक्सल नोटिस्ड इन रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड इमेडिएटली। कहता है कि जब हॉट एक्सल चलती हुई गाड़ी में नोटिस किया जाता है तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर फॉग सिग्नलिंग 2 डिटोनेटर शुड बी प्लेस्ड एट हाउ मेनी मीटर्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए 270। कहता है फॉग सिग्नलिंग के लिए 2 डिटोनेटर जो है ना 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, 270 मीटर्स की दूरी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पॉइंट्स शुड बी क्लियर्ड व्हाट विद मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट पाउडर एंड ऑयल, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 in 3 days। कहता है पॉइंट्स को जो है
तीन दिन में एक बार जो है ग्रेफाइट पाउडर और ऑयल मिलाकर साफ करना चाहिए। क्वेश्चन 43, व्हाइल रिसीविंग द ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन हैंड सिग्नल सेल बी एग्जिबिटेड हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, आंसर विल बी 45 meters। कहता है जब गाड़ी को जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर रिसीव करना होता है तो उस कंडीशन में जो हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा वह ऑब्स्ट्रक्टेड पॉइंट से, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन से जो है 45 meters के दूरी से दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, बल्गिंग ऑफ एक्सल बॉक्स, रोलर बियरिंग क्रैक, मेटल साउंड, स्मोक, रेड हॉट फायर, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन सी हॉट एक्सल। कहता है बल्गिंग ऑफ एक्सल बॉक्स है, रोलर बियरिंग क्रैक है, मेटल साउंड है, स्मोक है, रेड हॉट फायर है, ये सब के सब जो है हॉट एक्सल के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। क्वेश्चन 45, व्हेन नोटिस द हॉट एक्सल ड्यूरिंग नाइट वेविंग ऑफ व्हाट लाइट लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द चेस्ट इन ए वाइड आर्क मैनर, आंसर विल बी ऑप्शन ए रेड। कहता है रात में अगर आप हॉट एक्सल ट्रेन में नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो रेड लाइट जो है, लाल जो बत्ती है उसको बड़े आर्क मैनर में जो है लेफ्ट टू राइट जो अपने चेस्ट के सामने घुमाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, वेविंग व्हाइट लाइट एज हाई एज पॉसिबल एंड लो ड्यूरिंग नाइट फॉर ट्रेन पार्टिंग सिग्नल। कहता है कि व्हाइट लाइट को जो है ना जितना हो सके ऊंचा पॉसिबल हो और नीचा करके दिखाना चाहिए रात के समय में, यह इंडिकेशन होता है ट्रेन पार्टिंग का, ट्रेन विखंडन का। क्वेश्चन 47, बीपीसी मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। बीपीसी का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 48, इफ शंटिंग परमिट इंडिकेटर कलर्ड लाइट सोन नो लाइट मीन्स, आंसर विल बी शंटिंग नॉट परमिटेड। कहता है अगर शंटिंग परमिट इंडिकेटर कलर लाइट जो है अगर कोई लाइट नहीं दिखा रहा इसका मतलब है कि शंटिंग परमिट नहीं हुआ है। क्वेश्चन 49, स्टॉप हैंड सिग्नल मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए शोइंग रेड फ्लैग और बाय रेजिंग बोथ आर्म्स अबव हेड। कहता है स्टॉप हैंड सिग्नल का मतलब होता है रेड फ्लैग को दिखाना या अपने दोनों हाथों को जो है हेड के ऊपर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50, विद इन स्टेशन होम सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर मैंड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रैफिक स्टाफ। कहता है विद इन स्टेशन होम सिग्नल में जो लेवल जो क्रॉसिंग गेट्स होते हैं उस पर जो है ट्रैफिक स्टाफ होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्क एंड रॉन LDCE क्लासेस।